तो इसमें एक या दो एक्सरसाइज करेंगे, उसके बाद तो हालत बहुत मतलब बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है। रात को जब शादी में से आए तो काफ़ी लेट हो चुका था, 9 या 9:30 बज गए थे। तो अभी पापा एक सो रहे हैं, बाकी सब जग गए हैं और शिवांश और मम्मी खेल रहे हैं। तो अभी जाते हैं उसके पास, उसके बाद मुझे जाना है जिम में, क्योंकि 1 महीना से ऊपर हो गया मैं जिम में नहीं गया हूँ। पहले जाते हैं मम्मी और शिवांश के पास, उसके साथ थोड़ा खेलेंगे, बाद में जाता हूँ मैं जिम में। शिवांश ऐसे ही चिल्ला रहा था कल। तू कल क्या जो तो ये कई बजे जो तो कल ये तो काका ने हाँ लगन में जो तो एम के फार्म में हाँ अन्य आई राइड उनाक जो तो जो ये भी क्या हम करते बेटा ये हम करते तो वो मारी ये हम करते तो कौन हम करते तो काय कोण एम करतो तू कोण एम करतो तू तने काय हे देखो एम एम ते दो बरे ले ले भाभी कर रहे भाखरी सबको ऑफिस जाना है, सबके लिए नाश्ता बना रही हूँ। सुबह का सुबह का ना सबको लेट हो गया, कल सब थक गए थे शादी में जाके, इसके लिए सबको लेट हो गया, 8 बज गए ऑफिस जाने के लिए। तो अभी चाय बना ली है, चाय बन गई, चाय बना के तैयार हो गए। मम्मी आएंगी पियेंगी, शिवांश को भी पिलाएगी वो सब। सुबह ही में उन दोनों ने सुबह ही चाय पी ली 7 बजे। शिवांश तो मम्मी के साथ जाग ही जाता है चाय पीने के लिए, भले वो सोया हो तो भी उसको चाय की सुगंध आ ही जाती है। क्या तूफान कर छो तूफान करे ने बताई पाए जाऊ से अत्यार में तेड़ो जो जो बताई ने के तेड़ो जई जा उपड़ो आज जिम में मेरा दूसरा दिन था और आज थी बाइसेप की एक्सरसाइज। शोल्डर की एक्सरसाइज में जितनी हालत ख़राब नहीं होती उतनी बाइसेप की एक्सरसाइज में होती है, क्योंकि बाइसेप मसल एकदम छोटा रहता है और वो मसल भरने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। तो इसमें 1 या 2 एक्सरसाइज करेंगे, उसके बाद तो हालत बहुत मतलब बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है। अच्छा हमको सिखा रहा है, वेट भी सही तरीके से नहीं उठ पाता है। तो जैसे तैसे बाइसेप की कसरत कर तो डाली, पर अभी चाहे जितना भी दर्द करे जिम बंद नहीं करना है। दिवाली के पहले तो 2 या 3 महीने पहले जिम बंद कर दिया था, 1-2 दिन जाता था फिर 1-2 दिन नहीं जाता था, ऐसा करता था, क्योंकि बहुत मतलब बहुत ज़्यादा आलस आती थी, उस वजह से जाना पॉसिबल नहीं हो रहा था। तो अभी मैंने खुद से एक प्रॉमिस किया, जितना भी दर्द करे जिम छोड़ना नहीं है, मतलब नहीं छोड़ना। तो अभी जाते हैं मम्मी के पास, वो क्या कर रही है उसका अपडेट लेते हैं, क्योंकि दोपहर के 12 बजे तो वो भी खाना बना रही है, उसके पास जाते हैं क्या खाना बना रही है। आ गई है मम्मी के पास, क्या बना रही है मम्मी? अभी शिवांश भी सो गया है, भाभी ने सुला दिया शिवांश को। हाँ वो बहुत तूफान कर रहा था इसलिए उसे सुला दिया है, रसोई बाकी है, अभी वो 1-1.5 कलाक सोएगा, उसके डैडी आएंगे, जब तक वो सोता रहेगा फिर जाग जाएगा।